सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। और ये प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है, प्योरली क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, अभी तक हम लोग पॉइंट मास का डिस्कस किए, किसके बारे में, पॉइंट मास। हम लोग जब भी सवाल बना रहे थे, मतलब हम बोल रहे थे कि बस है ना यहां से गया यहां गया, तो हम लोग यह कंसीडर कर रहे थे बस नहीं गया, एक पॉइंट यहां से यहां गया, क्योंकि वृक्ष का बस का कुछ तो लंबाई होगा ना, ये बस की लंबाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे अभी तक का सवाल में। बस की लंबाई कभी अभी ध्यान दिए थे हम लोग, नहीं दिए थे। या ट्रेन यदि यहाँ से यहाँ गया तो ट्रेन का वाट एवर लंबाई है वो नेग्लेक्ट कर रहे थे हम लोग। ट्रेन हो, बस हो, इवन क्या चंद्रमा, सूरज, चांद, इस सब का भी रेडियस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, तो हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू डेस्टिनेशन इज बहुत बहुत ज़्यादा है इसकी लंबाई से, इसीलिए इसकी लंबाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंट, ठीक है। तो उसको बोल रहे थे पॉइंट मास सिस्टम, अभी तो हम यही पढ़ रहे थे ना, पॉइंट मास सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। तो अब तो हमारा जो फॉर्मूला हम लोग ईजाद किए थे, क्या फॉर्मूला ईजाद किए थे कि फोर्स इक्वल्स टू मास न्यूटन लॉ सेकंड लॉ, जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि फोर्स जो होगा हमारा एफ नेट वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किसके लिए वैलिड था, तो ये वैलिड था फॉर पॉइंट मास सिस्टम के लिए हम बता रहे थे, तो ये वैलिड फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास, ठीक है। क्या करने का मतलब है, हम पहले बता रहे थे यदि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हो, तुम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा एकदम तय है, ठीक है। दैट मीन हम यहाँ भी ट्रांसलेशनल मोशन का बात करें, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन मतलब चलने वाला, एक्स एक्सिस में चल रहा है या वाई एक्सिस में चल रहा है या जेड एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, दैट मीन्स मोशन होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करें, सपोज ये ऐसे है हमारा, इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो अपने ही जगह पर सिर्फ रोटेट कर रहा है, ना। यदि ऐसा है और इसको हम यहाँ ऐसे फोर्स लगाएंगे तो अपने जगह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सिंपली अभी तक हम लोग पढ़े पॉइंट मास, यार किसी दिक्कत है, पॉइंट मास सिस्टम के बारे में बात करें। यहाँ पे हम लोग हमेशा वट एवर द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विल नेग्लेक्ट ऑल टाइम, हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो बॉडी आएगा वो कैसा होगा, एक्सटेंडेड बॉडी होगा, समझा, ऐसा कुछ बॉडी होगा। अब इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो अब इसका मोशन समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको, एक एग्जाम्पल तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या, सपोज करो एक चक्का है, क्या ये चक्का है, ठीक है, ये सरफेस है, इस चक्का में एक पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस पॉइंट, हम इस पॉइंट का, इस पॉइंट का मोशन को डिस्कस करना चाहते हैं, इस पॉइंट का मोशन को डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये जो चक्का आगे घूम के इधर आएगा, चक्का इधर आ गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहां से ऊपर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये जब और ऐसे घूमेगा यहां पे आएगा, ये पॉइंट मान लेते यहां पहुंच गया, ये पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब और थोड़ा सा और घुमाएंगे इधर के, तो मान लो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा और थोड़ा साइड करते हैं, ठीक, एक चक्का और बना देते हैं यहां पे, तो ये चक्का हमारा, तो फिर वापस ये पॉइंट कहां आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है। तो यदि तुम इस पॉइंट का पाथ देखोगे तो पॉइंट का पाथ कुछ कैसा है, कुछ ऐसा पाथ है। यदि हम लोग सपोज करो कि इनिशियली मानते हैं कि वो जो पॉइंट है यहां पे, इनिशियली मानते हैं पॉइंट कहां पे है, यहां पे, कुछ समय के बाद कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और कुछ समय के बाद यहां आ जाएगा, कुछ समय के बाद फिर यहां आ जाएगा ना। तो इसका पॉइंट का पाथ हम देखो, तो तुम दोनों पॉइंट पाथ देख रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथ लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथ
दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना। अब हम देखो, अब हम लोग यदि हमारा जो फॉर्मूला है फोर्स का, जो पॉइंट मास के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यदि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और यहाँ ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, यदि इस पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। मतलब हम जब वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भैया, तो हम वो कॉम्प्लिकेशन मेरा बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है बात। हमारा जो मुश्किलात है, हमारा जो समस्या है, वो बढ़ते जा रहा है। तो हम एक ऐसा पॉइंट खोजना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, बहुत ज़्यादा पाथ कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो तुम देख सकते हो वो पाथ, तुम ये सेंटर वाला पाथ लोगे तो सेंटर यहाँ पे है, अभी थोड़ा देर बाद कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और थोड़ा देर बाद यहाँ पे, थोड़ा देर बाद सेंटर यहाँ पे, थोड़ा देर बाद सेंटर यहाँ पे है। मतलब इस सेंटर का तुम पाथ डिस्कस करोगे, तुम देखो वो सेंटर का पाथ क्या है, बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट है। ये सेंटर है ना, इसी सेंटर को हम लोग एक नाम दे देते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम अभी क्लियर नहीं किए हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हम क्लियर करने चाह रहे हैं। हम ये बता रहे हैं अभी तक में कि हमारे पास अभी तक जो फॉर्मूला है, पॉइंट मास ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास। अब इस फॉर्मूला को हम लोग एक एक्सटेंडेड बॉडी में लगाना चाहते हैं, बड़ा बॉडी में लगाना चाहते हैं, ठीक है। जो एक थाली है, प्लेट है, या कोई भी कुछ भी है, बड़ा एक्सटेंडेड बॉडी है, तो हमको वो फॉर्मूला क्या है, किस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो हम सोचते हैं चलो किसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उस पॉइंट पे फोर्स लगा करके हम उसका डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम दो पॉइंट पकड़े, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इन दोनों में जो तुम्हारा पाथ दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब इससे इस पॉइंट को तुम पकड़ के सॉल्व करना शुरू करोगे तो तुम पकड़ा जाओगे, ऐसा धर के रगड़ेगा तुमको कि फिर दोबारा होश भी नहीं रहेगा, समझा। मतलब ऐसा नहीं, सवाल नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, हम बनाकर तुमको दिखाएंगे ये डिस्टेंस कितना है, ये निकाल के भी दिखाएंगे तुमको, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो, हम निकाल के भी दिखाएंगे। लेकिन उसी चीज का डायनामिक्स को डिस्कस हम लोग, यही बॉडी का डायनामिक्स को डिस्कस हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे यदि हम ये पॉइंट पता कर पाए, ठीक है। अब ये पॉइंट है क्या, तो देखो यदि हम लोग दिखना चाहें तो देखो, ये देखो, जैसे ये है हमारा, है यहाँ पे एक रखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, कि फोर्स लगाए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रख रहा है, यहाँ पे ये ले लेते हैं फोर्स, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लगा रहे हैं, एक हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, तो देखो मोशन कैसा हो रहा है, देखा, फोर्स लगाएं ऐसे घूम गया ये। यदि हम लोग इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो देखो क्या हो रहा है, इधर घूम जा रहा है। लेकिन यदि हम एक खास पॉइंट ऑफ सेंटर खोज लें इसका और उस पर फोर्स लगाएं तो कितना बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। तो हमको ये पॉइंट खोजना है जिस पॉइंट पे हम लोग बड़ा बढ़िया से फोर्स लगाएंगे तो बड़ा बढ़िया से हमको मोशन दिखेगा, बड़ा बढ़िया से हम लोग मोशन को इजिली वे में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है क्या, तो हम लोग ऐसा मानते हैं ना, ऐसा मानते हैं ये पॉइंट वह पॉइंट है ना जहां पर इस पूरे बॉडी का मास क्या कंसंट्रेटेड है। वी आर एज्यूम दिस कंसेप्ट इज टोटली मैथमेटिकली, ऐसा नहीं हुआ कि यहां पूरा मास होगा, इधर मास नहीं होगा, इधर मास नहीं होगा, बट वी आर एज्यूमिंग दैट कि द मास ऑफ द होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां पे एज्यूम किया जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि पूरे सिस्टम का जो मास है उस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। मतलब तुम वह पॉइंट खोज पाओगे तो सिंपली उस पॉइंट पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आराम से हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे माने ये ऑब्जेक्ट है, अब वो कैसे पता चलेगा इसका पॉइंट और मास कहाँ पे है, कहाँ पे, तो सिंपली क्या करो ना कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, क्या करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। यदि हम ये पॉइंट से बैलेंस करते हैं, बैलेंस होगा, इस पॉइंट से बैलेंस करेंगे तो फिर गिर जाएगा, इस पॉइंट से करेंगे तो गिर जाएगा। तो हमको एक पॉइंट पता करना होगा ना जहाँ से ये बैलेंस हो जाए, देखो तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। यदि हम इसको यहां पर रखेंगे तो गिर जाएगा, समझ में आ रहा है, तो वो पॉइंट है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, बॉडी बैलेंस हो जा रहा है, तो वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है। लेकिन कंफ्यूज मत कर देना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या है ना, कंफ्यूजन ये है कि हम क्या बोले अभी, जैसे ये रड है, ये रड है, और मानो सपोज इस पॉइंट पे ये बॉडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस हो गया,
नाटक मत करो, सिर्फ सुनो। इस पॉइंट पे बॉडी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो जिस पॉइंट पे बॉडी अपने को बैलेंस करते उसको सेंटर ऑफ मास नहीं कहते, सेंटर ऑफ मास नहीं कहते, ठीक है। तो सपोज करो अभी यहां पे ग्रेविटी है, यदि हम ग्रेविटी को उड़ा दिया जाए, यहां से ग्रेविटी खत्म कर दिया जाए, तो क्या हम इस पॉइंट पे बैलेंस कर पाएंगे सिस्टम को, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत आसानी से कर पाएंगे हम किसी भी सिस्टम पे, किसी भी पॉइंट पे बैलेंस कर पाएंगे। तो ये डिफिनेशन सेंटर ऑफ मास का गलत है, क्या कि वह सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां से बॉडी को बैलेंस किया जा सके। दिस इज नॉट डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सपोज करो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इधर का ग्रेविटी को बढ़ा दिया जाए इस तरफ का, और इधर का ग्रेविटी को घटा दिया जाए, तो क्या ये इधर झुक जाएगा? इधर ग्रेविटी ज्यादा है, इधर ग्रेविटी कम है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है, तो इधर झुक जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहां पर लाना पड़ेगा, समझा बात? तो यहां पर अब क्या हो गया, यहां पर हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां बड़ी हो तुम बैलेंस कर पाओगे, ना कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है। हाँ, ऑल्दो हमारा अभी जो सिस्टम है जहां पर हम रह रहे हैं वहां पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां बड़ी बैलेंस कर पाए। तो सेंटर ऑफ मास है क्या, कौन सा पॉइंट है? तो पहला एक डिफिनेशन हमें बताया, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे ऐसा फील हो या एज्यूम कर सके कि वहां पे सारा बॉडी का मास या कंसंट्रेटेड है, ठीक है। दैट मीन्स मान लेते हैं पूरे बॉडी का मास कहां, यहां पे है, ऐसा करके इस पे तुम फोर्स लगा दो, इस पूरे बॉडी का मास m है, तो यहां m है, तो इसका सीधा एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाटएवर द फार्मूला इज, अभी तो हम लोग पढ़े हैं फोर्स का, ठीक है, चलो। लेकिन और हम अच्छे से तुम डिफिनेशन देना चाहें कि एक्चुअली है क्या सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, देखो यहां किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहां तक जितना बात भाषण वाषण किए हैं सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत है? फिर से हम क्या बताएं अभी तक में, कि जो हमारा फॉर्मूला है क्या, फिर से बता रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सिर्फ एप्लीकेबल है स्पेशल पॉइंट के लिए। जब तो हम बॉडी बढ़ाते थे सीधे ऐसे फोर्स लगाते थे, याद है, कभी हम यदि ऐसे फोर्स लगा रहे थे उसको रिजोल्व करते थे, मतलब हम एक्चुअली क्या करते थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पता करते थे पॉइंट, और हम बताए थे वर्क में भी कि वर्क में डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बताए थे ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला है कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करते थे। अब मेरा जो टास्क है यहां पे यही स्पेशल पॉइंट खोजना, ये स्पेशल पॉइंट खोजना। तो ये कंफ्यूजन कभी मत रखना कि स्पेशल पॉइंट वह पॉइंट होगा जहां से बॉडी को बैलेंस किया जा सके, स्पेशल पॉइंट वह पॉइंट होगा जहां से बॉडी को बैलेंस किया जा सके वह नहीं होगा, बस समझ रहा है। इन जनरल लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास इज वह पॉइंट है जहां पर बॉडी को क्या कर सके, बैलेंस कर, जैसे यहां पर बैलेंस हो गया है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बट नहीं, दिस इज सेंटर ऑफ मास, वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो तो हमको भैया मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है वही स्पेशल पॉइंट को खोजना, मेरा टास्क क्या है, वही स्पेशल पॉइंट को खोजना, समझा, जिस स्पेशल पॉइंट पे हम लोग ये वाला फोर्स बड़ा बढ़िया से लगा सके, ठीक है, ठीक है। ये 4 kg का, और ये मान लेते हैं 4 cm है, और यहां हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा जगह है, मतलब एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है, ये एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है, अगर अगर हम लोग हर किसी मास को, मतलब ये मास है, ये दो मास यहां लिए है, हर किसी मास को सेंटर ऑफ मास की दूरी, सेंटर ऑफ मास दूरी क्या है, यहां से यहां तक ये दूरी है, और इसका सेंटर ऑफ मास दूरी कितना है, ये दूरी है, ये दूरी को मल्टीप्लाई मारो, क्या मारो, मल्टीप्लाई, और यदि ऐड कर दो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है, समझा। सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां से
जिसका दूरी और मास को मल्टीप्लाई मारो, इसका दूरी और मास को मल्टीप्लाई मारो और दोनों को जोड़ दो, तो आंसर शुड बी जीरो। समझा? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, यदि समझ में नहीं आ रहा, सिंपल डेफिनेशन ये है, सिंपल डेफिनेशन ये है कि सेंटर ऑफ मास इज द डेट पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। सिंपल डेफिनेशन क्या है? वह पॉइंट है जहां पे हर बॉडी का मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, तो वह पॉइंट है कहां पे? तो वह पॉइंट वहां पे है जहां पे ये वाला चीज सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे ये वाला चीज सेटिस्फाई कर रहा है। कहां पे है? तो वो ऐसा जगह है जहां से मास दूरी को गुना मारो, मास दूरी को गुना मारो, जोड़ दो, आंसर जीरो आना चाहिए। दैट मींस वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम पूरा किताब से हट के लिख डेफिनेशन दिए। ठीक है, चलो अब हम दो मार के देखते हैं। देखो मार के देखते हैं गुना, दो आंसर जीरो आ रहा है। हम ऑलरेडी ये जो नंबर है ना, हम खुद कैलकुलेट पहले कर चुके थे और यहाँ पुट कर दिए थे। ठीक है, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, जहां पे सेंटर ऑफ मास हो वहां ओरिजिन ले लो, बहुत सुविधा होता है सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, अभी हम सब समझाएंगे कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम देखो क्या, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो बताओ? एक्स एक्सिस है ये, तो ये हो गया क्या तुम्हारा -8/3 और 0, यही कोऑर्डिनेट होगा ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4/3 और 0। क्या बोले? वह पॉइंट जहां से अगर क्या करे, अगर मास को मल्टीप्लाई करे सेंटर ऑफ मास की दूरी से, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी कितना? 8/3। तो मास को, मास कितना है? 2 kg। मल्टीप्लाई करो सेंटर ऑफ मास दूरी 8/3, और फिर इसका ये मास कितना है? 4। सेंटर और सेंटर ऑफ मास की दूरी कितना है? 4/3। अब दोनों को याद हो, यहाँ दूरी कितना है? माइनस में है, माइनस लगा दो यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस 8/3। ये समझ में आ बात? अब इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे, जब तुम ऐड करोगे, दो ऐड करो दोनों को, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आया। देखो ऐड कर, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो 8-16/3 आया और यहाँ पे +16/3 आया, आंसर आया 0। समझा? तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दिस पॉइंट इज आवर सेंटर ऑफ मास। समझा? यदि ये तुम्हारा कंडीशन समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है तो चिल मारो। हाँ हाँ, पहले से पता नहीं हो, हम उस फाइंड को आराम से फाइंड करेंगे विद हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, बताते कैसे फाइंड करेंगे। बस यदि समझ में अभी यहाँ तक नहीं आया बात, ये वाला क्या क्या हम बताएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना समझ जाओ, सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहाँ से, जहाँ पर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि पूरे सिस्टम का मास वहाँ कंसंट्रेटेड है। इतना समझ में आ रहा है बात? सिंपल हम लोग सेंटर ऑफ मास डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास, ठीक, इट लिखो, इट इज अ पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर मास ऑफ द होल सिस्टम एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। बात समझ में आया? सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां पे पूरा सिस्टम का मास क्या हो, एज्यूम हो, कंसंट्रेटेड हो। समझ मास या सीएम बोल दो, सीएम। अब सीएम कौन होगा? किसी एरिया का सीएम बना दोगे? नहीं ना बनाओगे एरिया का सीएम। तो सीएम बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो किसको सीएम बनाते हैं? ठीक, थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं, समझो। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो है ना, न्यूटन लॉ से तुम समझोगे ना, तो न्यूटन लॉ से समझा जा सकता है। तुम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो न्यूटन लॉ को तुम थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ जाएगा। सब सपोज करोगे, बहुत सारा सिस्टम है, मान लेते हैं ये एक सिस्टम इसका m1 मास है, दूसरा सिस्टम इसका m2 मास है, तीसरा सिस्टम इसका m3 मास है, अब मान लेते चौथा सिस्टम कुछ m4 मास है, और ऐसे ऐसे बहुत सारा सिस्टम है। मान लेते i सिस्टम है जिसका मास mi है, बहुत सारा सिस्टम इसका मास mi है। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो रहा है इस सिस्टम, अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबका फोर्स इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। फोर्स का इक्वेशन, वही फोर्स इक्वेशन क्या अपना, फोर्स इक्वेशन मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो सबका क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R2, ये हो गया तुम्हारा R3, और कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा RI। ठीक है, इसका डाल देना R4। तो यदि हम लोग लिखेंगे F नेट,
तो कैसा लिखेंगे, एम वन इंटू ए वन प्लस एम टू इंटू ए टू प्लस ऐसा जाएगा एम वन एम आई एम आई, जिसका मास एम आई है उसका एक्सेलरेशन क्या है ए आई है, लिख सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा कंप्लेक्स फॉर्म में लिखना कोशिश करें तो ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा लगा एम आई आर आई और आई का वैल्यू जो है वन से कहाँ तक गया, एन तक गया है, ठीक है, कुछ भी एन तक है वैल्यू, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ पे आर आई थोड़ी है ए आई है, ठीक, कोई दिक्कत। दो वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, थ्री पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, चार पुट करेंगे तो चार यहाँ आ जाएगा और आई पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, ठीक। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो ए आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी आर आई इसको डी टी स्क्वायर हो सकता है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला है ना, लिखे थे ना डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, यू ऑल नो, जानते हो इस फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, जानते हैं ना रे, हाँ ये फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन है, इतना एज्यूम करते हैं टारगेट वाला बच्चा जानता होगा, नहीं जानता तो कोई बात नहीं, मान लो कि हाँ ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत, बोला करो नहीं तो समझ में नहीं आया दिक्कत है कि नहीं है। हम बस एम आई है यहाँ पे और ये अपना एक सेकंड, ये अपना फॉर्मूला लिख दिया ऐसा, बोल क्या बोला, हाँ स्क्वायर, ठीक। सुनो अब जो क्या कर रहे हैं हम, इस एम आई का मास जो है टोटल मास जो है इसको पूरा इंटीग्रेशन अंडर डाल देते हैं, कॉन्स्टेंट है तो अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत, डाल दिए, ये हो गया एफ नेट, ये हमारा एफ नेट फॉर्मूला हो गया। यदि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम का मास पूरा ये सबको जोड़ दो ना और वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, मान लेते हैं यहाँ कंसंट्रेटेड है, क्या है यहाँ कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग ज्यूम करते हैं कि पूरा सिस्टम का मास कैसे ज्यूम होगा, जैसे मानो कि बहुत सारा स्टार्स है या ऐसा मानो बहुत सारा मक्खी है और मक्खी ऐसे 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 रैंडमली मूव कर रहा होगा अंदर में झुंड में, लेकिन तुम झुंड एक साथ ऐसे जाते दिखतेगा, बहुत दूर से देखोगे ना झुंड को, झुंड ऐसे जाते दिखेगा, लेकिन क्या हर मक्खी ऐसे जा रहा है, नहीं, जो तुम चिड़िया देखते हो तो सिक्वेंस में से जा रहा है, क्या सब चिड़िया सिक्वेंस में जा रहा है, नहीं, चिड़िया में रेंडम मोशन है, चिड़िया का तुम वीडियो घुसोगे ना तो चिड़िया रेंडमली मोशन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मोशन जब तुम बाहर से देखोगे बहुत दूर से तुमको एक मोशन दिखेगा, ऐसा लगेगा ना कि पूरा सिस्टम का मास एक जगह लगा हुआ है और वहां कोई फोर्स लगा रहा है और उसको घसका रहा है पूरे सिस्टम को, ऑल्दो सबका मास अलग अलग है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन पूरा सिस्टम तुमको एक जगह जैसे जाते दिखेगा और ऐसा लगेगा कि पूरा सिस्टम का जो है ना एक पॉइंट यहाँ पे फोर्स लगा के ठेल रहे, ऐसा फील होगा, तो हम उसी पॉइंट को जहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड है उसको सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, यही डिफिनेशन यही दिया है, सेंटर ऑफ मास डिफिनेशन यही दिया है ना कि यह वह पॉइंट है जहां पर सारा सिस्टम का मास क्या है कंसंट्रेटेड है, मतलब सारा मास क्या है टोटल मास एम आई है, ये है, समझ में आ रहा है, इस पूरे सिस्टम को हटा दो बस ये बच गया, अब दिक्कत है कोई नहीं, तो अब इसका यदि हम लोकेशन करें तो इसका लोकेशन हमारा हो जाएगा यहाँ से एम आर ओ सी लिख देते नाम, ठीक है, एम्स आर सेंटर ऑफ मास, ऐसा अभी हम नहीं लिखा था तो मत लिखो, हम लिख दिए अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सिर्फ इस पार्टिकल का यदि हम लोग फोर्स करेंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत, अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये रहा वन और ये रहा टू, इन दोनों को हम यदि इक्वेट करना चाहें तो थोड़ा इक्वेट कर दे हैं, तो देखो यहां पे क्या इस जगह पे ये पूरा फोर्स लिख देते हैं, ये लिखेंगे एम आई डी आर सेंटर ऑफ मास स्क्वायर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर सिग्मा एम आई आर आई, ठीक है। अब इस ये जो है इसको डेनोमिनेटर में ले आओ तो हो गया डी स्क्वायर आर सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी स्क्वायर कस्टो क्या गया डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एम आई आर आई
बाय एम आई, इसको इधर ले आए डिनोमिनेटर में। तो अब यदि तुम दोनों कंपेयर करो तो मुझे दिख रहा है कि आर सेंटर ऑफ मास ये है, दिख रहा है, कंपेयर करो, कंपेयर करो तो ये चीज यहां दिख रहा है, वही चीज है ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला बन गया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बन गया है एम आई आर आई बाय एम आई। ये क्या है एम आई, टोटल मास है, क्या है ये, टोटल मास, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझा। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कहां से आया है, तो न्यूटन लॉ को ही हम लोग थोड़ा सा अच्छे से तामझाम किए, इधर उधर ऐसे ऐसे किए, खाना वाना पकाए तो फॉर्मूला आ गया, समझा। ये तो मुझे थोड़ी समझ में नहीं आया कैसे हम ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लाए, नहीं समझ में आया तो मत समझो, बस इतना याद रखना दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला याद सबको होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिए, अब बताओ इसके एक्स कंपोनेंट लिखना चाहे कैसे लिखेंगे, यदि हम एक्स में लिखना चाहें तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एम आई एम आई एक्स आई बाय एम आई, ठीक है। अरे इसको एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन कर सकते, देखो इसको ऐसे एक्स एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री ऐसा चलेगा, और नीचे में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, इसी जो एक्सप्लेन ऐसे करते हैं ना, पता नहीं इसका मतलब पता है ना, सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़, सबको जोड़ रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ये बस क्लास टेंथ में भी तुम लोग मिन मीडियम मोड में पढ़े होगे ना चीज। यदि वाई सेंटर ऑफ मास लिखना चाहें सिंपली वहां वाई लिख दो, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेना ऐसे वाई के टर्म में, और जेड सेंटर ऑफ मास लिखना चाहो ठीक है, कोई दिक्कत, नहीं नहीं इसका कुछ कुछ पोजिशन मैटर होगा ना, तो हम बोल नाम रख दिए अपने में से, तुम नाम पी रख दो, सी रख दो, डी रख दो, इसका कुछ पोजिशन मैटर होगा ना, हम अपना नाम रखे आर सी यू एम नाम रख दिए, हाँ, ताकि देखने में सुंदर लगेगा, और कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज सिंपली ये क्या है, उस कंसंट्रेटेड मार्क का क्या है, पोजिशन वेक्टर है, समझा समझा। देखो एक्चुअली क्या होता है, इसे मून है ना, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा सन है और ये अर्थ है, हाँ, तो सन एक्चुअली जो अर्थ है सन का चक्कर नहीं लगा रहा होता है, नहीं, वो फोर टाइम मानो कि सन रुका हुआ है, फोर टाइम मानो सन रुका हुआ है मान लेते हैं, ओबियसली तुम मान रहे सन खूब स्टेट मूवी, हम लोग मान लेते हैं सन रुका हुआ है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ना सन का चक्कर लगा रहा है, एक्चुअली ये सन का चक्कर नहीं लगा रहा है, यह इस दोनों सिस्टम का, ये दोनों सिस्टम का जो पॉइंट ऑफ सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, उसका चक्कर लगा रहा है, वो स्टेप लाइक कर रहा है मास पे, समझा। ये चक्कर किसका लगा रहा है, सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहा है, ये किसका चक्कर लगा रहा है, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसीलिए वो लाई कहाँ कर रहा है, चंद्रमा पे लाई कर रहा है, सॉरी इस पे लाई कर रहा है, बस समझ में आ रहा है। इसलिए तुम यदि दो दो यदि सेम मास का, दो सेम मास मतलब सूरज है जितना मास का है उतना दूसरा मास का ले आएंगे तो सेंटर ऑफ मास बीच में हो जाएगा, तो ये ऐसे चक्कर लगाएगा और ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगेगा, कभी देखना बाइनरी स्टार का चक्कर ऐसे लगेगा, मतलब ये भी इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास चक्कर लगा रहा है, ये भी सेंटर ऑफ मास चक्कर लगा रहा है, बात समझ में आ रहा है। सेंटर ऑफ मास कितना रियलिस्टिक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट लेकिन पूरा रियलिस्टिक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी के टर्म में बेरी सेंटर, ठीक है। एनी वे ये चीज समझ में आ गया ना, हाँ, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास मतलब जैसे रड है, हमारे उस रड का यूनिफॉर्म मास है, उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं बीच में है, तो तुम किसी भी फ्रेम से देखो सेंटर ऑफ मास उस वहीं होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा, ऑल दो यदि मानो फ्रेम चेंज कर लिए, फ्रेम क्या किए चेंज कर लिए, कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, फ्रेम चेंज करने में क्या होगा कोऑर्डिनेट,
चेंज हो जाएगा ना, यदि एक दूसरा फ्रेम है दूसरा फ्रेम है तो इसके हम पोजिशन वेक्टर निकालेंगे ऐसे निकलेगा, वहाँ फ्रेम ऐसे निकलेगा, तो पोजिशन वेक्टर दोनों का अलग अलग है। कोऑर्डिनेट चेंज करने से, फ्रेम चेंज करने से कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है बात, फ्रेम चेंज करने से कोऑर्डिनेट चेंज कर सकता है, पोजिशन वेक्टर तुम्हारा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर उससे जो है तुम्हारा वही रहेगा वो, ठीक है। चलो ये सब पॉइंट हम लिखवा देते हैं तुम लोग को। ये डेरिवेशन समझ में आया, ये फोर्स के तरीका से हम डेरिवेशन किए, लेकिन हम लोग जो एक और कंसेप्ट पढ़े थे ना, कौन सा वो जो थोड़ा सा हट के पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास वो स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे यदि मास और उसकी दूरी को गुना कर दिया जाए, मतलब बेसिकली हम कोऑर्डिनेट का बात करें, उसे कोऑर्डिनेट को गुना कर दिया जाए, फिर इसके मास से कोऑर्डिनेट गुना कर दिया जाए, फिर इसको जोड़ दिया जाए तो आंसर वाला जीरो आएगा। उससे भी तुम रिजल्ट निकाल सकते हो, सेम रिजल्ट तुम उससे भी निकाल सकते हो। दो कैसे निकालते हैं करके निकाल दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हम बोले थे, मेरा थ्योरी क्या था, थ्योरी सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन क्या था, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां से यह है, ये क्या है, हम क्या बोले थे, मास को उस मान लेते आर वन सेंटर ऑफ मास है, आर वन मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के दूरी है ये, सुनो मान लो, जैसे मान लेते दो ऐसा है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, तो ये मान लेते आर वन है और ये मान लेते आर टू है, और ये मान लेते एम वन है, ये मान लेते एम टू है, तो हमारा डिफिनेशन क्या था, इसको गुना करो एम वन आर वन प्लस इसको गुना करो एम टू आर टू, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, होगा ना, होगा ना। तो ये क्या है, ये आर वन है सेंटर से दूरी है, ये भी किसका है, सेंटर से दूरी है, ये है ना सेंटर से दूरी है कि नहीं है यार, कन्फ्यूज कर रहा है तुम लोग क्या, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या सेंटर से दूरी है, तो हम इसको भी मान लो कि ऐसा कुछ सिंबल करने के लिए देते हैं, वन सी और टू सी, समझ में आ जाएगा ना, वन क्या है, आर वन सेंटर से है, आर टू सेंटर से, ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको समराइज करना चाहें, कंडेंस करना चाहें, ऐसा लिख सकते हैं आर वन, यदि वन डालेंगे तो ये आ जाएगा, टू डालेंगे तो ये आ जाएगा, थ्री डालेंगे तो और कुछ होगा तो वो आएगा, चार डालेंगे तो और कुछ होगा, ऐसा लिख सकते हो, बताओ हैं, लिख सकते हैं, अरे बताओ ना, तो नहीं समझ में आ रहा है, अरे भैया देखो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री और ये एम एन तक है, इसको यदि कंडेंस फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है ना, कि ऐसा एक पर ऐसा ऐसा फोटो बना दो, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन, फिर क्या कर दो एम लिख दो और उसमें आई लगा दो ऐसे करके, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख दो आई इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक, इसका इस पूरे का मतलब यही होता है, क्लास टेंथ में पढ़े होंगे, ठीक है। ओसा ही किया, जैसे अब देखो, जैसे तुम देखो यदि आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वन से एन तक हो सकता है, यदि वन पुट करेंगे तो देखो एम वन आ गया, फिर सिग्मा प्लस, फिर यहाँ एम का वैल्यू टू पुट करेंगे तो एम टू आ गया, फिर प्लस एम का वैल्यू थ्री पुट कर सकते हैं, एम का वैल्यू कितना ही पुट करेंगे आंसर आते चलेगा, कोई दिक्कत, एकदम बहुत बेसिक बात है, क्लास टेंथ वेंथ में पढ़ाता है तुम लोग को, ठीक है। तो यही डिफिनेशन अभी बताए ना भैया, अभी सेंटर ऑफ मास का जो हम डिफिनेशन बताए थे कि वह स्पेशल पॉइंट है जहां से मास का दूरी गुना करो, मास का दूरी गुना करो, जोड़ दो, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ये बताए थे ना सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन, मैथमेटिकल डिफिनेशन बताए थे ना, तो वही चीज मैथमेटिकली लिखे हुए हैं, हैं, चलो इसी चीज को लिखते हैं, यही लिखे हुए हम डिफिनेशन, तो हमारा इसको थोड़ा सा बढ़िया से, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये दिस इज आवर डिफिनेशन, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि एक कोई बड़ी है, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, दिस इज एम आई, कोई एक आइथ मास, मतलब इसमें बहुत सारा मास होगा, वो सिस्टम बहुत है, 1 2 3 4 5 बहुत सारा मास है, ठीक है, पूरे सिस्टम में बहुत सारा मास है, उसमें से एक मास आइथ मास पकड़ लिए, जनरल टर्म में तो ऐसे नहीं बात करते हैं, आइथ मास, एनथ मास,
ऐसे नहीं बात करते भाई साहब, जनरल टर्म में से ही बात करते हैं ना। 1 2 3 नहीं मान करके आइथ मान लो, या एनथ मान लो, या पीएथ मान लो, या क्यूएथ मान लो, ऐसे नहीं बात करते मैथमेटिकली। आइथ मास मान लीजिए एम आई, ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं लेट, यहाँ पे क्या है तुम्हारा एम सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऐसा बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा वाई और ये रहा तुम्हारा एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो समस्या हो रहा है तुम लोग को है, बोलो रे, हाँ बोलो बोलो, नहीं बोले समझ में नहीं आएगा, पूरा प्योरली मैथमेटिक्स है, हम बता दिए पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बोला करो, बोलेगा तो समझ में आएगा, आ रहा नहीं आ रहा है, समझा। चलो इसका एक पोजिशन मीटर ड्रॉ करेंगे, यहाँ बोलेंगे आर आई, ठीक है, इसका पोजिशन मीटर मान लेते हैं आर सेंटर ऑफ मास, और ये दिस इज अ डिस्टेंस, हम क्या बताए थे, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वह डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से मास का कितना मीटर दूरी है, यही ना आर आई सी है कि नहीं है, है कोई दिक्कत, ट्रायंगल लगाओ, ट्रायंगल लगाओ, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो और निकालो, ये प्लस ये इक्व टू ये, आर सेंटर ऑफ मास प्लस आर आई सी इक्व टू आर आई, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते है? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते तो लिख दो, तो यह गया आर सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, आर आई वेक्टर माइनस आर आई सी वेक्टर, यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी सॉरी हमको ये निकालना होगा, ये आर आई ये तो ये दिया हुआ है ना, ये निकाल लेते हैं, आर आई सी आर आई माइनस आर सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, अब इसको पुट करो यहाँ पे, पुट कर सकते हैं, बोलो पुट करो यहाँ पे, और इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको तोड़ो, इसको उधर भेजो, इधर ही रख रहते हैं, इसको इधर नीचे भेजो, आ गया सेम फॉर्मूला, देखो प्यार से, देखो देखो प्यार से, जो हम लोग डिफिनेशन डिफाइन किए थे उसी डिफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला ले आए, तो दो डिफिनेशन डिफाइन किए थे, पहला डिफिनेशन कि इट इज मानो क्या कि मास इज कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट, उससे हम लोग यूज करके पहला वाला डेरिवेशन किए, उससे जो रिजल्ट आया, और जो दूसरा फॉर्मूला हम बताया तुमको, दूसरा वाला डिफिनेशन बताया मैथमेटिकल डिफिनेशन, उसको सॉल्व करते हैं तो भी आंसर वही आ रहा है, जैसे माई दोनों डिफिनेशन माई इज राइट, माई दोनों डिफिनेशन इज राइट, बात समझ में आया, बताओ सेंटर ऑफ मास समझ में आया या नहीं आया, अब बताओ, आ गया ठीक है, आ गया ना, आ गया, तो धकाधक सवाल करना शुरू करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, धकाधक सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है, ये आसान सवाल करवाते हैं, उसके बाद तुम लोग को बढ़िया सवाल करवाएंगे, ठीक है, ये आसान सवाल करवा देते हैं, बनेगा तो सिंपली, तो क्या करना है तो बता देते कैसे बनाना है, सॉल्यूशन देख लो, सिंपली करना भैया, क्या सिंपली क्या करना ना, सबका कोऑर्डिनेट पता कर लो, सबका कोऑर्डिनेट पता कर लो, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बटा m1 प्लस m2 प्लस m3, y सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 y1 प्लस y सॉरी m1 प्लस m2 प्लस m3, z सेंटर ऑफ मास सेम लिख दोगे,
तो मतलब सीपी हमको करना क्या है, X1, X2, X3 फाइंड करो, Y1, Y2, Y3 फाइंड करो और Z1, Z2, Z3 फाइंड करो, M1, M2, M3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हो X1, X2 और X3। ठीक है, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3। बता दो भैया क्या क्या है, X1, X2, X3, 1, 1, 2। ठीक है, Y1, 4, Y2, 1, Y3, -1, फिर Z, ये है Z, 1, 1, -2। अब फॉर्मूला पुट करो, मास दिया हुआ है यहाँ पे 2 kg, 3 kg, 1 kg, सब पुट कर लोगे, हैं? इतना तो करिए लोगे यार, इतना नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तब चलो 2 पार्ट का सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं, 2 पार्ट के सिस्टम, 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये हम मान लेते हैं कि दिस इज M1 और दिस इज M2 और ये लाइन हमारा हो गया, मानते हैं यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, यहाँ क्या है सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है। ठीक है, चलो तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। अपना फॉर्मूला याद करो क्या था, सिग्मा MIRIC इक्वल टू 0, यही था ना। तो M1 पुट करेंगे तो क्या होगा, M1 और ये तो बताओ नेगेटिव में -R1 प्लस M2 पॉजिटिव R2 करो 0, तो M1 R1 इक्वल टू क्या आ गया M2 R2। दैट मीन्स यदि हम लिखेंगे M1 बाय M2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 बाय R2, M1 बाय M2, R2 बाय R1, उल्टा लिख दिए, R2 बाय R1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि R1 जो है, R जो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन क्या है, मास है, क्या है मास है। यदि मास ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास और उसके दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स यदि मास बढ़ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हैवी ऑफ दर्थ तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए यदि लाठी लो, लाठी का सेंटर ऑफ मास का बीच में होगा, लेकिन उसी लाठी में हथौड़ा लगा दो तो फिर उसी पानी तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे, तुमको हथौड़ा पे बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ये लाठी है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बीच में मान लेते हैं, यदि हम हथौड़ा लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके तो सेंटर ऑफ मास किधर खिसक जाएगा, हैवियर मास की तरफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ सकता है, समझा बात, यहाँ पर चल रहा है सेंटर मास किधर खिसकेगा, जिधर मास ज़्यादा होगा। बस समझ में आ रहा है, तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड द हैवियर मास, लिख दो सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड द हैवियर मास। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करते हैं ना, इसी सवाल में हम लोग सेंटर ऑफ मास को क्या करते हैं, हम एक लाइन बताए थे कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, बताए थे बात, तो हम देखते हैं, तो मतलब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा ऐसा सेंटर पे, अब क्या करते हैं ना, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, अब ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं, अब ओरिजिन हम यहाँ नहीं मान कर क्या मानते हैं, यहाँ मानते हैं M1 पर ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, क्या मान रहे हैं, M1 पर ओरिजिन मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास में कुछ चेंजिंग आएगा, चलो चेक करते हैं, सेम है हमारा क्वेश्चन, ये रहा M1
और ये रहा हमारा M2, ठीक है, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से दूरी है तुम्हारा R1, यहाँ से दूरी है R2। तो अब हम लोग अब सेंटर कहाँ मान रहे हैं, यहाँ पे, ठीक, डेट मीन्स अब हमारा ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो अब देखो, ठीक है, तो ठीक है, तो निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालो, एक्स पे ही लाइक कर रहा था, एक्स ही बचेगा और क्या बचेगा, ठीक है, तो करते हैं, चलो क्या था, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन प्लस एम टू, यही होता है ना, है, एम वन हो गया तुम्हारा, एम वन जो है एक्स वन जीरो हो गया, एम टू हो गया, और एक्स टू कितना हो गया, एक्स टू ये आर वन प्लस आर टू हो गया, कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तो मान लेते हैं ना कि इसका यहां से यहां तक लंबाई कुछ L है, कुछ क्या है, L है, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, X सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, X बोलो या R बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा X एक्सिस में ही है, तो उसको R ही बोल सकते हैं और X भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया, और यहां पे M2 L हो गया बाय M1 प्लस M2। तुम देखो एक चीज देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास हम निकाले हैं, ये जो सेंटर ऑफ मास निकाले हैं, तो इसको मेजर कहाँ से कर रहे हैं, एम वन से, तो यहाँ पे है, तो ये जो दूरी है आर वन, यही आर वन दूरी है ना, इसको आर वन लिख दो ज़्यादा बेटर होगा, ये जो हम जो एक्स वन बोल रहे हैं ये है हमारा, यही दूरी है ना, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, आर वन जो है तुम्हारा वो कितना आया, एम टू एल बाय एम वन प्लस एम टू आया, यही है ना सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे है ये दूरी है, जो जो आर वन जिसको बोल रहे हैं वो x सेंटर ऑफ मास निकाले, तो ये x एक्सिस में ही है, तो x सेंटर ऑफ मास को आर वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं आराम से ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही तो x, यही तो है जिसको बोल रहे हैं डेफिनेशन से, यही आर वन है, तो आर वन इक्वल टू इतना आया। अब तुम यदि तुम आर टू निकालना चाहोगे तो दो तुम बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, आर टू तुम यदि निकालना चाहोगे तो आर वन प्लस आर टू क्या हमारा एल है, तो R2 टू इक्व टू हमारा क्या है, L माइनस आर वन है, तो यहां से L माइनस आर वन, आर वन यहां पुट करेंगे तो ये हो गया M2 L माइनस M1 प्लस M2, जो सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, M1 L माइनस M2 L, सॉरी प्लस M2 L माइनस M2 L बाय M1 प्लस M2, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जा रहा है, M1 L बाय M1 प्लस M2। तो जब R2 निकाल रहे हैं तो यहां M1 आ रहा है, और यहाँ जब R1 निकाल रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है, M2 आ रहा है, समझा, तो अब बहुत आसानी से हम लोग बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, यदि हमको ऐसा सिंपली समझो, ये M1 है और ये रहा M2, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, और ये यहाँ रहा R1 और ये रहा R2, और ये पूरा L रहा लंबाई, तो यदि हमको R1 बोलेगा निकालें, ये R2 बोलते रहे इसको और ये R1, तो R1 यदि कोई बोलेगा तो सिंपली क्या करेंगे, R1 बोल रहा है ना, तो ये R1 बोल रहा है, तो ये वाला मास नहीं, ये वाला मास पकड़ेंगे M2, और किससे गुना कर देंगे, L by M1 plus M2, क्या, यदि हमको कोई बोले R2 निकालने के लिए, R2 निकालने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, M1 ले लेंगे, L by M1 plus M2, समझा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं क्या, M, 2M, 3M और 4M, ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है, बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास,
बता। देखो एक्स सी ओ एम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, एम वन प्लस एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, तो इस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम आंसर पे आते हैं। सेंटर ऑफ मास तो एम वन, दो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट चूज करना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं इसको ओरिजिन एक्स, सॉरी वाई, और ये रहा एक्स, ये कह रहा तुम्हारा जीरो जीरो, ये क्या आ जाएगा ए जीरो, ये क्या आ जाएगा ए ए, और ये क्या आ जाएगा था जीरो ए। कोई दिक्कत किसी कोऑर्डिनेट चुनने में? ठीक, चलो इसका देखो एम इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस टू एम इंटू ए टू एम ए हो गया, प्लस थ्री एम इंटू ए तो यहाँ गया थ्री एम इंटू ए हो गया, और यहाँ क्या फोर एम इंटू जीरो जीरो हो गया। बाय टोटल मास कितना है, एम दो तीन, तीन छः चार दस, दस एम। कोई दिक्कत? तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा भैया, दो तीन पाँच, पाँच ही हुआ ना, तो फाइव एम ए बाय टेन एम, तो कट गया कितना हो गया ए बाय टू हो गया। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास तुम निकालोगे तो ये भी ए बाय टू आंसर आएगा। ठीक है, समझा? तो देखो अब इस सवाल को बिना सॉल्व कर ले हम आंसर निकालेंगे कैसे, देखो बताते हैं। नहीं नहीं वाई सेंटर ऑफ मास निकालो, कहीं ए बाय टू नहीं है आंसर, तो कोई दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, y सेंटर ऑफ मास, चलो m इंटू वाई जीरो खत्म, 2m इंटू जीरो खत्म, 3m इंटू ए कितना हो गया 3m इंटू ए, प्लस 4m इंटू ए नहीं आया ना, अंतर आ गया 4m इंटू ए बटा 10m, ये कितना हो गया 7m a बाय चार दिन सात बटा 10m, mm कट गया तो 7 बटा 10 a आ गया। समझा? कोई दिक्कत समझ में आया ना? अब देखो यदि यदि ऐसा हो, हमारे पास अथी है बनाने वाला फिगरवा है, तो हम फिगर का इस्तेमाल करेंगे क्या? हे लड़का सब, फिगर है हमारे पास वीआईपी वाला, अरे इतना फिगर नहीं चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, और यहाँ पे एक मास है, और एक यहाँ पे मास है, सबका मास m दिया हुआ है। ठीक है, तुम इस सवाल में जब सॉल्व करोगे ना, तो तुम देखना इस सवाल में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, किस पे आएगा, सेंटर पे आएगा। सॉल्व कर देखना, इसे सॉल्व करना, तो x सेंटर ऑफ मास तुम देखना a बाई टू आएगा, और y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा a बाई टू आएगा। सॉल्व करके देखना तुम वही प्रोसेस से। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा सवाल हो तो सिमेट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिमेट्री का। इसका एक देखो, यदि देखो यहाँ पे इस वाई एक्सिस में, देखो वाई एक्सिस में तो इधर देखो सेम मास, इधर भी क्या है सेम मास, टू एम मास, टू एम मास, और इधर ऐसे, तो जहां भी एक पॉइंट कट कर रहा है ना भैया, वहीं पे वहां सेंटर होगा। समझा? हमेशा जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, वो वेरी कर रहा है तो फिर वो भी अलग हो जाएगा। समझा? यदि मानो कि सिंपली यदि हम एक ऐसा दे दिए सर्कल, और सर्कल में क्या है यूनिफॉर्म मास है, तो सेंटर मास कहाँ पे होगा बता, सेंटर पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, लेकिन यदि ऐसा सपोज करो ऐसा फिगर हो जाए, कैसा फिगर, ऐसा फिगर हो जाए, बोले यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यहाँ पे मास क्या है यूनिफॉर्म है, मास क्या है यूनिफॉर्म मास है, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया गया है, ओवरऑल एक बताना है। तो इस सवाल में देखो यदि ये सर्कल होता तो यहाँ सेंटर ऑफ लाई करता, लेकिन सर्कल नहीं है ना, तब तो इसका दो सेमेट्री फिगर पता पड़ता है, सेमेट्रिकल एंड कौन सा होगा, सेमेट्रिकल एक्सिस कौन सा होगा, यदि एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस ये हो गया, तो कौन सा एक्सिस सेमेट्री होगा, मिरर इमेज कौन सा एक्सिस दे देगा, ये इमेज दे देगा ना, ये लाइन, इसको यदि हम ऐसे पलटा देगा तो हो जाएगा ना, डरबी तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है इसमें लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। समझा? आप सिंपली यदि सवाल में सिर्फ वाई निकालना है तुमको, एक्स निकालना ही नहीं है। समझा? ये हम बताएंगे सवाल सब कैसे बनाते हैं, ये एक्सटेंड, ये कंटिन्यूस बढ़िया सवाल है। ठीक है, अभी अभी से सवाल नहीं बनाया है, बताएंगे अभी सवाल। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो लिख सकते हैं वही जो पॉइंट बता लिख सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ मास लाइज एज लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, कहाँ लाइक करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। डेट में यदि हमारा स्क्वायर है और यहाँ मास, यहाँ मास, यहाँ मास, यहाँ मास, और सब जगह मास क्या है, एम है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मासेस, इक्वल मासेस, देन सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक। ये कहाँ लाइक करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में, यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि तुम्हारा ट्राइंगल है, मान लो इस करके ये रहा मास m, यहाँ भी मास m और यहाँ भी मास m, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे निकालते हैं, यहाँ ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, मैं तो बताऊँ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, क्या बोलते हैं ना, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो कहाँ लाइक करेगा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पे लाइक करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई बदहजमी, पेट दर्द, माथा दर्द, कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो सवाल बनाओ, नहीं हो रहा तो सवाल बनाओ, नहीं हो रहा तो ठीक है, सवाल बनाओ, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ मास कुछ दिया हुआ m, यहाँ मान लेते हैं 2m और यहाँ मान लेते हैं 3m, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं ना 2m 3m, मतलब kg कुछ वैल्यू पुट करवा लेते हैं, m1 देते हैं 1 kg और m2 दे देते हैं 2 kg और m3 दे देते हैं 3 kg, ठीक है। बताना है कि M1 से कितना दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा, हाँ, M1 से कितना दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा, निकालो, निकालो सेंटर ऑफ मास, समझ आ रहा है बात। सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं यहाँ पे लाइक करेगा, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे लाइक करें, या यहाँ पे लाइक करें, जहाँ भी करें, तो M1 से दूरी निकालना है, ये दूरी या ये जो भी दूरी होगा, हमको पता नहीं है, तुमको निकालना है, समझ में आ रहा है बात। सवाल बना तो बना बनो ना, हमें लगा x सेंटर ऑफ मास का y सेंटर ऑफ मास दो ही होगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 y1 x2 ठीक है, लगा तो नहीं निकला, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दो से कोऑर्डिनेट चूज कर लेते हैं, मेन टास्क तो यही है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक। जहां से बोल रहा है वहां पे ओरिजिन मान लो, ठीक है, जहां से, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा। ये जीरो जीरो, ठीक है, मान लेते हैं सबका लंबाई ए है, सबका लंबाई कितना है ए है, ठीक है।
तो चलो ये बताओ कितना है कोऑर्डिनेट, ए जीरो। अब ये लंबाई बता दो, इसका कोऑर्डिनेट को बताओ कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, थ्री है। अच्छा ये बता कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे होगा तुम्हारा मीडियम मिड पॉइंट ए बाई टू पॉइंट, दैट मीन इसका एक्स एक्सिस कितना होगा, ए बाई टू होगा, होगा एक्स एक्सिस। ट्रायंगल का सिंपल नियम, ट्रायंगल पे यदि यहाँ से करोगे ना तो मिड पॉइंट पे कट बाइसेक्ट होता है, एंगल बाइसेक्टर जाकर कहाँ मिड पॉइंट मिलता है, ये होता है ना, ठीक है। अब वाई के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा बताओ, यदि ए ए है ये निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा वाला, साइन थीटा फॉर्मूला लगाओ, साइन 60 डिग्री क्या होता है पी बाय एच, पी कितना है, यही एक्स बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं, तो हो गया वाई बाय एच, एच कितना है ए, तो एच इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, ए साइन थीटा हो गया, ए साइन थीटा क्या हो गया, ए साइन थीटा 60 डिग्री, तो क्या हो गया ए रूट थ्री बाय टू, तो कितना हो गया रूट थ्री बाय टू ए, ये हुआ ना, ये ट्रायंगल लगाएं सिंपली भैया, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है, पी क्या होता है इसके सामने वाला एंगल, ये पी है ये एच है, पी का वैल्यू क्या है वाई है, एच का वैल्यू क्या ए है, तो वाई बाय ए लिख दिए, तो वाई लिखना तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा, तो ए साइन थीटा कितना हो गया, ए साइन थीटा साइन 60 रूट थ्री बाय टू, वो दिक्कत तुमको दीपिका क्या दिक्कत बताओ, ये कैसे आया ये वाला, कि सुरमे से दिक्कत है को, ये एकदम सिंपल है, ट्रायंगल लगाएं और ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, साइन थीटा पी बाय एच, पी ये रहा वाई, एच ये रहा, पुट पाट कर दिए, सुनना है बात रहे तुम, अब आया नहीं आया तो खाली छाप लो, बाद में पूछ लेना हमसे, ठीक है। अब जो पुट करो m1 x1, तो m1 x1 खत्म जीरो, m2 दो के जी इंटू टू टू ए हो गया हाँ, और यहाँ पे m3 थ्री इंटू ए बाई टू, थ्री इंटू ए बाई टू डिवाइडेड बटा सबका मास जोड़ो, दो एक तीन तीन छः, तो कितना हो गया भैया 2a प्लस 3a, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 4a हो जाएगा बाय 3a बाय 2, ठीक है, तो कितना हो गया 7a बाय 2, कोई दिक्कत अरे सर 2 कहाँ नीचे, यहाँ 2 है ना, नीचे 6 भी तो है, नीचे 6 भी तो है, तो कितना होगा 6 × 2 = 12, 7a/12 हो गया, पता कोई दिक्कत यहाँ तक 7a/12 है, वही बन रहे 0 2 × 2a, अरे पागल यहाँ ये दोनों में एलसीएम लेंगे यहाँ से 2, तो 2 × 2 = 4 नहीं हो जाएगा, चलिए 4 × 3 = 7, 6 × 2 = 12, वाई सेंटर ऑफ मास निकालो, तो वाई सेंटर ऑफ मास बताओ 0 + 0 + ये बच गया रूट थ्री ए, तो 3 × √3a/2, बच्चे नीचे में कितना हो गया 6, पीछे में 6, तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा भैया 3√3 ना है बाय 6 × 12 ए, हाँ ठीक है काट दो, ये हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एडमन से कितना दूरी पे है, तो अब देखो एडमन से दूरी मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आया, मान लेते सपोज करो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आया, कहीं पे आया होगा यहाँ पे मान लेते सेंटर ऑफ मास आया,
ठीक है, मान लेते यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आया और इसका कुछ कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा, क्या 7/a 12 और क्या आ गया है 3√3/12। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकल जाएगा पाइथागोरस से, कैसे नहीं है, रूट अंडर 7/a 12 का स्क्वायर प्लस 3√3/12 a का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कैसे सब सॉल्व बनाए? ठीक, एक सवाल तुम लोग घर से बना के लाना, एक सवाल लेते हैं घर से बना के लाना। क्यूब है, ठीक है, क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास और यहाँ पे मास, इधर है m, m और यहाँ m और यहाँ पे भी है m, और यहाँ है 2m, यहाँ पे है 2m, यहाँ पे भी है 2m और यहाँ पे भी है 2m। ठीक है, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, तो मेन टास्क क्या है इसमें, कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मेन टास्क क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना, उसका सिंपल फॉर्मूला पुट करना हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ के आना, क्योंकि इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन आने वाला है। ठीक है, हैं, सेव कर लेना ना, कितना सेव कर लेता हूँ।